आज की वीडियो बनाने का हमारा टॉपिक है टिम्बर यानी वुडवर्क। इसमें लकड़ी को टिम्बर भी कहा जाता है, जो उसका इनर पार्ट होता है जिससे ये चीज़ें हमारा बनाई जाती हैं। आज मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के हैंडीक्राफ्ट दिखाऊंगा, जैसे ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, डोमेस्टिक चीज़ें हैं जिसमें मुख्तलिफ पॉट्स आ सकते हैं, वाटर पॉट होगा, उसमें टी पॉट है, शुगर पॉट है, हॉट पॉट है, ये सारी चीज़ें। और लकड़ी की बात हो रही है तो इसमें आपको जो पता है कि NoorMehal है, तो NoorMehal में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें यूज हुई हैं या उसके कंस्ट्रक्शन में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई उसके बारे में भी आपको बताया। तो हम NoorMehal में आ चुके हैं, यहाँ पे जितना भी आप फर्नीचर देखते हैं ये तमाम ओरिजिनल है सब। जब इसको जब फर्निश किया गया था तो ये डीलक्स कंपनी थी दिल्ली में, 1906 में ये फर्निश हुआ था, और जब ये बना था तो 1875 में ये लकड़ी बर्मा से इम्पोर्ट की गई थी, उनके साथ बाल की जिसे टीकवुड कहा था। बात करें सामने मौजूद स्टेज की, जो कि अभी रेप्लिका बनाया गया है, और कहा जाता है कि उस टाइम का जो ओरिजिनल स्टेज था वो वुडन में था तो सही, मतलब लकड़ी में बना हुआ था, लेकिन उसके साथ एलुमिनियम टस में भी था। और उसके अलावा महल के जो आप दरवाजे देख रहे हैं जो कि बहुत बड़े बनाए गए हैं, ये भी उसी टाइम के टीकवुड से सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं, और ये भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। तो उसके जैसे कि आप देखते हैं कि दरवाजे और खिड़कियों का साइज बहुत बड़ा बनाया गया है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से महल सुबह से शाम तक रोशन रहता है, और इसी वजह से इसको NoorMehal कहा गया है। तो बात कर रहे थे हम बर्मा टीक की, यहाँ पे उसके कुछ सैंपल दिखाए गए हैं जो कि महल के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए थे, और रेवोल्यूशन के दौरान फिर निकाला गया और यहाँ पे उसको प्रिजर्व किया गया। तो जो बेडरूम की बात करें तो इसमें सामने की तरफ जो बैठे थे ये भी अभी वुडन में है, यानी रेप्लिका है ओरिजिनल बेड का, इसलिए उस टाइम का जो ओरिजिनल बेड था वो मुकम्मल सोने और चांदी से बना हुआ था। बट रिमेनिंग फर्नीचर जो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे इस तरफ सोफे का डिज़ाइन है, उसके ऑपोजिट में ये बड़ा ड्रेसिंग जैसे आप देखा हो दिखाया गया है, ये भी उसी लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन ये उस टाइम नवाब ने इसे पहले से इम्पोर्ट किया था 1882। बर्मा टीक की बात यानी सागवान की लकड़ी की बात हो चुकी, जो महल के दरवाजे और खिड़कियों में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल लगे हैं वो मैंने आपको दिखा दी, जो कि 1872 से 75 तक तामीर हुआ, उस टाइम बर्मा से इम्पोर्ट नवाब वो, जैसे कि आप छत देख रहे हैं वही लकड़ी इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। अब इसके बाद अब हम चल रहे हैं सोवेनियर शॉप में, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट दिखाऊंगा। लेकिन हम अब आ चुके हैं सोवेनियर शॉप में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल किस्म की चेयर है, इस तरीके से बनी है, ये शीशम की लकड़ी की बनी हुई है, शहरों से जैसे कुछ चीज़ें सफेदा से मुल्तान की और कुछ चीज़ें जो है उससे भी लाई जाती है। डिज़ाइन बनाया गया है वुडन में, बहुत ही शानदार। फिर यहाँ से आप आगे चीज़ें बाय कर सकते हैं, फिर फॉर सेल है तमाम चीज़ें। और ये भी एक डेकोरेशन सेट है, पूरा टेबल सेट है, उसके साथ ये जाम सुराही ये दिखाया गया है, फिर उसके साथ यहाँ पे ये लैम्प्स हैं, सॉल्ट लैम्प, और नेक्स्ट कैमल स्किन में ये सॉल्ट का है पूरा, नमक से बना हुआ, और ये कैमल स्किन में है साफ उसके। और इस पैक में ये तमाम पैलेसेस के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं वुडन में, बहुत ही बेहतरीन। जैसे ये पैलेस जो है ये भी NoorMehal का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है वुडन में, 500 जिसके डोम्स हैं और सेंटर के गेस्ट डोम हैं, और इस तरफ भी ये NoorMehal का डिज़ाइन है उसके साथ तोप है। और इस हिस्से में ये ज्वेलरी बॉक्स हैं कुछ, अगर कोई सिंपल लेना चाहे तो वो दिखाए गए हैं। और इसी में मुख्तलिफ डिज़ाइन मुख्तलिफ कलर्स में हैं, जैसे ये ब्लैक एंड गोल्डन है यहाँ पर दिखाया गया, ये वो वुडन वाला है। और इस हिस्से में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प दिखाए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो हैं ये कैमल स्किन से बने हुए हैं मल्टी कलर और ब्लैक में, जबकि ये बाकी तमाम जो हैं ये वुडन में हैं। और देखें कितना खूबसूरत है,
ये ग्रीन डिजाइन में और ये हॉट पॉट है यहाँ पे, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये कुछ बड़े वाले ज्वेलरी बॉक्स दिखाए गए हैं, जैसे ये सामने वाला ये 4-in-1 है जिसके 4 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, उसके साथ फिर ये 3-in-1 दिखाए गए। ये वाला जो है ये 3-in-1 है, ये बॉक्स है इसका, ये फिर बंद होते हैं ऊपर की तरफ फोल्ड करके। ये मग सेक्शन है, ये डिफरेंट साइज की एस्ट्रे यहाँ पे रखी गई है, और उसके साथ ये डिफरेंट पॉट्स हैं, इसमें आप चीनी वगैरह डाल सकते हैं या नमक रख सकते हैं या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। और ये मग कवर या उसके बॉटम में रखने के लिए, ताकि टेबल जैसे ख़राब ना हो, तो ये उसके आप नीचे रख सकते हैं और इसी से उसको मग को कवर भी कर सकते हैं। ये सेक्शन जो है ये पूरा जूनी बॉक्सेस का है, इसमें देखिए आप मुख्य डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्लैक एंड गोल्डन है, ग्रीनिश है, रेड पर गोल्डन, ऐसे ये डिफरेंट साइज डिफरेंट लंच हैं। ये बॉक्स देखें तो बिल्डर भी शुरू दिखा गया है, तो हर तरह के यहाँ बॉक्स हैं। इसमें सिंपल प्लेन यानी एक हिस्सा है, और बड़े बॉक्स की बात करें तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बॉक्स है, ये 7-in-1 है। ये भी जहाज बन जाएगा, जहाज ने जहाज पकड़ा हुआ है। इसके साथ पीसी जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े सारे 7-in-1 पीस मिल रहा है, और छोटे परिवार में तो काफ़ी सारे डिजाइन हो चुके हैं। इसी से लोग आप जैसे डेकोरेशन पीस दिखा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है, इसका मुझे अभी तो पता, ये कैंडल स्टैंड दिखाया गया है, यहाँ से आप रखें यहाँ पे मोमबत्ती वो है। और इस हिस्से में ये डिज़ाइन दिखाया गया है जो इंडस क्वीन का, ये एक शिप का सैंपल है बहुत ही खूबसूरत, जैसे नूरमहल की ये शील्ड है, इसके साथ इंडस क्वीन, और ये एक खूबसूरत सा हेलीकॉप्टर है डेकोरेशन पीस हेलीकॉप्टर का, और ये ट्री सेट है जी 3 का, ये बड़ी है फिर उससे नीचे है फिर उससे छोटी है, ये भी यही चने और शक्कर वाली साइड से लाए जाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। अब यहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें फॉर सेल हैं, नहायत ही खूबसूरत आयतल को से लिखी हुई है डेकोरेशन पीस हैं, लैम्प्स हैं खूबसूरत डिज़ाइन के बने हुए। ये एग्जिट पॉइंट है नूरमहल का, जहाँ पे सोवेनियर शॉप है। तो जी अब हम आ चुके हैं सोवेनियर शॉप से बाहर, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई आज, हमने वुडन वर्क के बारे में, लकड़ी जो महल में यूज़ हुई, जो सोवेनियर शॉप पे है क्राफ्ट से, वो तमाम चीज़ें दिखाई। ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से महल के बाहर की तरफ हम आते हैं, और महल से बाहर अब हम आ चुके हैं। तो मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।